क्या हाल है भाई? कैसा है भाई? ओए ओए, ओ हाय, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। और क्या बोलता है भाई? अरे पूरा दिन मोबाइल में। अरे कुछ नहीं यार, ये देखना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक, पूरा दिन मीटू मीटू लगा रखा है यार। अरे मैं भी वही देख देख के कंटाल चुका हूं यार। यार मेरे को एक बात बता दो, जब हुआ था तुम लोग ने कुछ बोला है, अब 10 साल बाद क्या हो रहा है? इन लोग तो एक के पीछे एक निकल निकल के आ रहे हैं सब। You never know man, but seriously. जब हुआ तभी बोल देते तो मेरे हिसाब से सब रुक जाता। अगर जो बचने वाले बच सकते थे, बच सकते थे ना। Listen guys, मैंने ना मीटू के बेसिस पे एक पोयम लिखी है, सुना हूँ। मीटू में मीटू का पोयम लिखी। सोचा नहीं था कि किसी दिन ऐसा भी वक्त आएगा, मीटू की पूरा मोहल्ला एक पता हो जाएगा। देखते ही देखते ऐसा दिन भी आएगा कि सीता जी जैसी अपनी परीक्षा देने का वक्त आ जाएगा। रावण जिसे हम कोसा करते हैं जिंदगी भर, समझ ही ना सके कि असली रावण का पाला हमने अपने ही घर। संस्कारी का ताज लेकर बस अपनी असलियत दिखा जाएंगे। शराब के नशे में धुत मेरा कंसेंट मांगना भी भूल जाएंगे। मजाक मस्ती में लवों पर चूम जाएंगे और बीबी जस्ट चिल कहकर सॉरी बोलकर बस छूट जाएंगे। एक औरत जो एक माँ, बीवी और एक बहन होती है, क्या माल है, क्या टोटा है, क्या आइटम है, देगी क्या, ये कहकर वो ग्रांटेड ले जाते। क्या तुमने भी कभी ये सोचा था कि एक आदमी जो किसी का बाप, भाई, बेटा या एक जितनी दोस्त है, वो औरतों को कितनी इज्जत देता है या कितनी इज्जत मांगता है? अरसों बाद निकला एक सच, क्या तुमने भी कभी ये सोचा था कि एक ऐसा दिन भी आएगा मीटू कहकर सब मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा? तो कैसी लगी? मस्त है। पर तुझे क्या लगता कि सिर्फ लड़कियां ही हरास होती होंगी? देख यार, लड़की हो या लड़का, हरासमेंट से प्रॉब्लम है यार। ये ना हरासमेंट बंद करना चाहिए। क्या होता है अब क्या करना है, कहाँ जाना है, यहाँ से चलो यार, निकल जाओ। चलो बड़ा चलो।